हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोय और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे निफ्टी भी कहां पे एंट्री कर सकते हैं और कहां पे एग्जिट हो सकता है, कौन सा डायरेक्शन में हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो पहले हम देख ले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं डेली चार्ट में कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, राइट, कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ज़रा से ज़्यादा 27,800 तक जाने वाला है, लेकिन आज थोड़ा मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीवीएस जो सपोर्टिंग लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है 27,500, तो यहाँ तक मुझे लगता है मार्केट आने वाला है। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर दिया तो पीवीएस जो एक सपोर्टिंग जोन 27,300, तो वहाँ तक भी आ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको बाय लेना है तो अगर 27,500 में बाय में जा सकते हैं अगर कंफर्मेशन मिले तो, नहीं तो आप 27,300 में आप बाय में जा सकते हैं, राइट। तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में देखें 4 आवर में, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना चाहिए मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर बोथ जोन में है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो छोटा टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में देखे तो 15 मिनट में भी देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में लिया हुआ है, थोड़ा कल रिट्रेसमेंट दिया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया तो यहाँ से हम देखेंगे तो फिबोनाची डाल के जो वेब मिला है यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 50% रिट्रेसमेंट हुआ हो गया, राइट। तो ऑलरेडी 50% रिट्रेसमेंट हो गया, तो मुझे लगता है 61% तक तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो एंटी कहाँ करेंगे, चलो मैं लेके चलता है, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वहाँ पे लेके जाता है। थोड़ा लिटिल मोर थोड़ा कॉम्प्लिकेट है मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप आप देख सकते हैं, मैंने ये ट्रेडिंग सेटअप है मेरा, यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं किया मैंने, मूविंग एवरेज लिया हुआ है यहाँ से 300 से लेके 20 मूविंग एवरेज 7 मूविंग एवरेज तक है, राइट। और ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट हमें कंफर्मेशन मिला ये अप ट्रेंड है, राइट, कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, वो जो रिट्रेसमेंट होता है फिर से ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट होके फिर से ऊपर जाता है, आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट फिर से गया, रिट्रेसमेंट फिर से गया। तो मुझे लगता है रिट्रेसमेंट फिर से होने वाला है, राइट। तो रिट्रेसमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 27,800 जाके फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है। तो ये हो गया मेरा डेली चार्ट, सॉरी 1 आवर चार्ट, जहाँ पे मैं देख लेता हूँ। और नेक्स्ट मेरा एंट्री पॉइंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है आपके लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। यहाँ पे मैंने लिया ये CCI परसेंटेज, राइट, चलो CCI यहाँ पे, ये मेरा CCI, तो CCI मेरा पैरामीटर है ज़्यादा से ज़्यादा 45, राइट, पैरामीटर मेरा 45 होता है CCI का, कंफर्मेशन आपको दिखा देता 45 CCI पीरियड का होता है। और यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज 200 लिया हुआ, सिंपल मूविंग एवरेज 200, और बाकी जो देखा था ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, मैं कहाँ ट्रेडिंग करता हूँ वो दिखा रहा हूँ आप। तो ये मेरा हो गया 15 मिनट चार्ट जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और ये 1 आवर जहाँ से मैं मार्केट देखता रहता हूँ, और डेली में भी देखता रहता हूँ डेली क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये डेली चार्ट में। और ये 15 मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकता है मेरा सेटअप, तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और ये है इसी मोको चार्ट में मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ किजू सेन। सो आपको अगर इसी में को थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, किजू सेन लिया 60 और नेक्स्ट किजू सेन लिया हुआ है ये 26 पीरियड का जो मैनुअल रहता है, और एक रेट लिया 60 पीरियड का, और 50 मूविंग एवरेज में भी है 60 में, और ये 7 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, राइट। तो आप देख सकते हैं मैंने जो जहां जहां एंटी किया था, आपको दिखा दो थोड़ा, एक एंटी था मेरा यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस हुआ था ये कैंडल में एग्जैक्टली,
लास्ट जनवरी, ये जनवरी में मैंने 3 ट्रेड किया था ऑप्शन में बैंक निफ्टी। तो एक था ये एरिया अराउंड आपका रहेगा अराउंड 27,200 का आसपास मैंने बाय किया था पुट ऑप्शन। नेक्स्ट बाय किया था ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड आपका 27,400 का आसपास मैंने बाय किया था, और कल बाय किया था यहाँ पे, 3 बाय किया था मैंने, मैंने पुट बाय किया था, सॉरी कॉल बाय किया था, पुट में मैंने कुछ बाय नहीं किया, तो यहाँ पे बाय किया था, तो यहाँ पे बाय किया था, तो यहाँ पे बाय किया था, राइट। तो अगर आज कहाँ पे मुझे एंट्री करना है और मैं कहाँ पे एंट्री करूंगा उसका ऊपर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे जो 60 किजुसेन सपोर्ट बना के रखा हुआ है, एक 26, तो मैं वेट कर रहा हूं अगर इसको ब्रेकआउट करे, तो देख सकते हैं ये रीजन, अगर इसको ब्रेकआउट करे जो कल का जो हाई था उसको ब्रेकआउट करेंगे तो मैं फिर से बाय एंटर करेंगे। अगर मार्केट और नीचे आ गया नियर जो ये रेजिस्टेंस सपोर्टिंग जोन, देख सकते हैं ये सपोर्टिंग जोन, सपोर्टिंग जोन, सपोर्टिंग जोन, अगर मार्केट नीचे मिल गया मुझे ये, और एक सपोर्टिंग जोन है ये सपोर्टिंग जोन, राइट सपोर्ट। तो अगर मार्केट मुझे यहाँ पे मिल गया ये किजुसेन का ऊपर में, मैं यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और मैं स्टॉक प्राइस बाय करेंगे 27,700 का, राइट 27,700 का। तो 100 पॉइंट का ऊपर मतलब ये जब अगर 27,600 रहेगा तो मैं 27,700 का स्टॉक प्राइस बाय करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉल बाय करेंगे ये रीजन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन मिला। यहाँ पे कितना सपोर्ट, ये 200 मूविंग एवरेज का ऊपर है, मतलब प्राइस अप ट्रेंड है, किजुसेन 60 सपोर्ट कर रहा है, किजुसेन 26 सपोर्ट कर रहा है, और डायगोनल सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है और हॉराइजेंटल सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मुझे कम से कम सार कॉन्फर्मेशन मिला, और देख सकते हैं परसेंटेज आर 50 लेवल का ऊपर में है, तो स्ट्रॉन्ग बाय हियर, राइट। मैं यहाँ पे बाय करने के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे मिल गया तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे 27,700 का, ये आउट द मनी है, और इन द मनी भी बाय कर सकता हूँ मैं 27,500 का, इन द मनी मैं बाय कर सकता कॉल ऑप्शन, सो इसलिए मैं इसमें रुका हुआ हूँ। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।